हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल 2018 में कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। अब यहाँ पे इसका एक हाईलाइटेड प्रोडक्ट ये भी है कि इसका जो एप्पल आईपैड प्रो सीरीज है उसको एक नया फ्रेश अपडेट वो लोग करने वाले हैं। और डिजाइन वाइज मुझे लगता है शायद एप्पल आईपैड प्रो का नाम एप्पल आईपैड प्रो एक्स रख सकता है, और यहाँ पे आज हम उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, 2015 में एप्पल के आईपैड के सेल्स काफी कम हो गए थे, यहाँ तक कि 17% सेल्स कम हो गए थे। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ नया चीज किया, 10.2 इंच का नया आईपैड लेके आए, और 2017 तक उसके जो सेल्स है वो 14% ज्यादा बढ़ गए। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट। अब यहाँ पे इसकी डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो फुल बेजललेस डिस्प्ले होगा, H2H डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे उसमें सेम आपको आईफोन एक्स की तरह आगे फेस आईडी दी जाएगी जो 3D फेशियल सेंसर की तरह से आपके फेस को स्कैन करेगी। और यहाँ पे उसमें आपको होम बटन भी नहीं मिलेगा, जिस वजह जो पूरा एप्पल आईपैड प्रो रहेगा वो पूरा बॉर्डर तक उसके डिस्प्ले रहेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब जैसे आप एप्पल आईपैड में कुछ परचेस करते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे आपको उसके लिए सिक्योरिटी के लिए आपको फेस आईडी भी आपको मिलेगी। मतलब आप फेस आईडी की हेल्प से कुछ चीज़ परचेस भी कर सकते हैं जो सिक्योरिटी आप डाल सकते हैं उसमें, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक और रिपोर्ट आया कि एलजी फेस आईडी के चिप्स एप्पल वालों को दे रही है अपने नए आईपैड आईपैड के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंफर्म किया गया है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने दिया था कि एप्पल अपने नए आईपैड प्रो में क्या चीज लेके आने वाले हैं, और ये कंफर्म किया है मिंग चिंग को ने, जो हर बार कुछ ना कुछ लीक्स होता है तो उसके बारे में वो कंफर्म करते हैं और 100% वो सही होता है। अब यहाँ पे एप्पल आईपैड प्रो एक्स की जो डिस्प्ले होगी काफी बड़ी होगी, और मुझे लगता है इस बार वो 10 इंच से लेके 11 इंच तक आ सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि काफी बड़े डिस्प्ले आपको मिलेंगे इसमें, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपको डुअल कैमरा भी मिलेगा, मतलब जो सेम आईफोन एक्स में कैसे दिया गया है पोर्ट्रेट मोड एंड ऑल, वैसा सेम आपको यहाँ पे दो कैमरा मिलेंगे, एक आपका टेलीफोटो लेंस लेगा और एक नॉर्मल लेंस लेगा, और उसमें सेम पोर्ट्रेट मोड और वगैरह वगैरह जो एप्पल के जो नए सिस्टम है फेशियल वो भी आपको इसमें मिलेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरा, जो कलर्स रहेंगे वो सेम आईफोन एक्स की तरह भी कलर्स आ सकते हैं एप्पल आईपैड प्रो एक्स में, रोज गोल्ड, ब्लैक, जो मतलब कलर ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे। पर उसका जो आईफोन एक्स में जो पीछे बैक ग्लास है वो आपको शायद इसमें देखने नहीं मिलेगा एप्पल आईपैड प्रो एक्स में। अब एक और चीज यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जहां तक मुझे लगता है कि इसमें वायरलेस चार्जिंग भी आ सकती है, क्योंकि एक लीक में आया था और मुझे ऐसा लगता है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, फिलहाल मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता दूंगा जैसे ही कुछ नए अपडेट आएंगे। और यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले, इसके बारे में भी कुछ बोल नहीं सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि ओलेड डिस्प्ले भी आएगा यहाँ पे, और ये हो सकता है कि इसका जो डिस्प्ले वो काफी शार्प होगा और काफी ब्यूटीफुल होगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे एप्पल का A11X बायोनिक चिप आने वाला है, और यहाँ पे वो 8 कोर्स में काम करेगी, 3 कोर काम करेंगी हाई परफॉर्मेंस के लिए और 5 कोर काम करेगी पावर एफिशिएंसी के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज हो सकता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि एप्पल अपने आईपैड प्रो एक्स के बैक में जेस्चर लाने वाला है, टच जेस्चर, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सेम आईफोन एक्स की तरह ही इसमें भी काम होगा, क्योंकि इसमें होम बटन भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाइज iOS 12 आने वाले हैं, जो इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, और मुझे लगता है कि ये लोग जून में अनाउंस करेंगे और फिर उसका बीटा वर्जन वो लोग अपडेट में डालेंगे। तो देखते हैं क्या ये iOS 12 iOS 11 से अच्छा है या नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि सेकेंड जनरेशन पेंसिल, हाँ जी हाँ, सेकेंड जनरेशन पेंसिल ये भी आएगा, जो एक नया फ्रेश अपडेट लेके आएंगे वो, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इसका जो पेंसिल होगा वो काफ़ी स्मार्ट होगा और काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगा, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने दिया है जो थर्ड पार्टी एप्स के साथ काम करेगी। अब मुझे यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन भी है एप्पल आईपैड प्रो एक्स में, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग जो मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा वो आए तो अच्छी बात है, और सेकेंड यहाँ पे सबसे मेन चीज़ वाटरप्रूफ, IP67 या 68 का रेटिंग आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब तक जितने भी आईपैड लॉन्च हुए कोई भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो मुझे लगता है अगर इसमें 67 या IP68 का रेटिंग मिलेगा तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ रहेगा जो एप्पल के नए आईपैड के सेल्स में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया एप्पल आईपैड प्रो एक्स काफ़ी नया आने वाला है और काफ़ी फ्रेश आने वाला है, और उसमें जो स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर सब कुछ चेंज होने वाले हैं।
मतलब इस बार जो 2018 है इसमें एप्पल नया कुछ करेगा अपने आईपैड प्रो में। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो भी मैं आपको बताया ये सच होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे कंफर्म हैं। अब देखते हैं एप्पल कब तक ये प्रोडक्ट लॉन्च करता है, और मुझे लगता है शायद ये सितंबर तक लॉन्च कर दे। तो दोस्तों ये था एप्पल आईपैड प्रो एक्स के बारे में कुछ डिटेल्स। आप हमें बताइए इसमें आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि हमारा जो वीडियो के अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। के बेरा से।